भारत के पंजाब स्थित अमृतसर शहर दुनिया भर में अपने शर मंदिर के लिए फेमस है। लाखों के तादाद में दुनिया भर के टूरिस्ट गोंडल टेंपल में माथा टेकने के लिए आते हैं। सिख के धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध अमृतसर फेमस है गोल्डन टेंपल, जालियाना वाला बाग, वाघा बॉर्डर पैरेट, पार्टीशन म्यूजियम एंड पंजाबी फूड के लिए। आप जरूर ट्राई करिएगा पंजाबी फूड। सो इस वीडियो में मैं आपको अमृतसर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप अमृतसर कब जाए, कैसे जाए, कितना खर्चा आएगा अमृतसर घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस, सब कुछ। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब आप अमृतसर का ट्रिप प्लान करोगे। अमृतसर शहर की स्थापना 16वीं सदी में चौथे सिख गुरु श्री रामदास जी ने की थी। इस शहर का नाम यहाँ के पवित्र क्लब अमृत सरोवर के नाम पे रखी गई थी। अमृतसर आप देश के किसी भी कोने से कभी भी आ सकते हो। अमृतसर आप बाई बस, बाई ट्रेन और फ्लाइट से पहुंच सकते हो। नॉर्थ इंडिया के मोस्टली शहर से अमृतसर के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, या फिर आप दिल्ली आकर दिल्ली से अमृतसर के लिए ट्रेन ले सकते हैं। अमृतसर के नज़दीकी शहर से बहुत सारी बसेस भी चलती है अमृतसर आने के लिए। अमृतसर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो अमृतसर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आप आ सकते हो। अगर होटल की अगर बात करें तो आपको 500 से शुरू करके आपको 1000, 2000, 3000 जैसी मर्जी वैसे आपको होटल मिल जाएगी। होटल आप गोल्डन टेंपल के पास ले सकते हो, इससे आपको घूमने में आसानी होगी। बेस्ट टाइम की विजिट के बात करें तो अमृतसर में आप साल में किसी भी टाइम आ सकते हो, बट नवंबर टू मार्च आइडियल टाइम माना जाता है। इस टाइम अमृतसर में मौसम ठंडा रहता है। आप बात करते हैं घूमे कैसे। अमृतसर में आप ऑटो, बस, टैक्सी में घूम सकते हो, जो कि आपको नॉमिनल रेट में मिल जाएगी। मेरे माने तो आप होप ऑन होप बस की मदद ले सकते हो। ये बस सर्विस होहो बस के नाम से जाना जाता है। इस बस से आप कैसे अपना टूर प्लान कर सकते हो, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे तो हम लोग बहुत बार अमृतसर घूम चुके हैं, हमने ट्रेन से ट्रैवल किया था। अमृतसर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गोल्डन टेंपल के लिए फ्री बस सर्विस चलती है, आप उसे भी यूज कर सकते हो, या फिर आप टोटो या फिर ऑटो की मदद से गोल्डन टेंपल पहुंच सकते हो। किराया आपका पर सवारी 20 रुपए लगेगा। आप अगर बजट ट्रिप करना चाहते हो तो कोशिश करिएगा मॉर्निंग में पहुंच जाए। ऑटो या टोटो आपको गोल्डन टेंपल से आधा किलोमीटर पहले छोड़ते हैं, जिसे कहा जाता है हेरिटेज स्ट्रीट, जहां से पैदल आप मंदिर तक जाएंगे। क्योंकि आप ट्रैवल करके आए हो, मेरा माने तो आप सुबह किसी भी होटल से ब्रेकफास्ट कर लीजिए। छोले कुलचे खाना मत भूलिएगा। हेरिटेज स्ट्रीट के दो साइड में आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएगी, बाद में आप इधर से शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद आप गोल्डन टेंपल के ओर धीरे धीरे रवाना होइए। मंदिर में एंट्री लेने के लिए मंदिर के बाहर बाई साइड में लॉकर रूम है, वहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। फिर सर में आप रुमाल बांध लीजिए। अगर आपके पास रुमाल ना हो तो टेंपल के बाहर से आपको सर पर बांधने के लिए कपड़ा मिल जाएगी।
आप अगर अमृत सरोवर में स्नान करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेडीज के लिए स्नान की अलग व्यवस्था है। आप मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगा सकते हो। मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको लंबे लाइन में लगना होगा। दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। आपने अगर ब्रेकफास्ट अगर ना किया है तो लंगर चखने के लिए आप जा सकते हो। लंगर 24/7 खुला रहता है। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी यहाँ पर कर सकते हो। थोड़ी देर अमृत सरोवर के यहाँ पर बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। देखिएगा आपको एक पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक वाइब मिलेगी। गोल्डन टेंपल में आपको चारों तरफ गेट दिखने को मिल जाएगी। इसका मतलब है यहाँ किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग आ सकते हैं। गोल्डन टेंपल के बाद आप जलियांवाला बाग जा सकते हो। गोल्डन टेंपल से जलियांवाला बाग की दूरी करीब 600 मीटर है। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, क्रूरता की वजह से यहाँ पर कितने लोगों की जान गंवानी पड़ी। आज भी गोलियों के निशान आपको दीवार में देखने को मिलेगी। जिस कुएं में कूदकर लोगों ने अपनी जान दी थी वो भी आपको इधर देखने को मिलेगी। जालियांवाला बाग का टाइम है सुबह 6:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक। एंट्री टिकट फ्री है। हमारा बिताया हुआ कुछ मोमेंट आप देख सकते हो। जालियांवाला बाग के अंदर 4 म्यूजियम भी किया हुआ है। जालियांवाला बाग से निकलकर आप सीधे होटल की ओर चले जाइए। कोशिश करिएगा होटल आप पहले से ही ऑनलाइन बुक करके रखें। होटल में आप फ्रेश होके खाना खाने के लिए बाहर आ जाइए। हमने खाने में महारानी थाली ऑर्डर किया था। इधर कुछ फेमस होटल के नाम आप वीडियो में देख सकते हो। हेरिटेज स्ट्रीट से आपको वाघा बॉर्डर जाने की गाड़ी मिल जाएगी। आप टैक्सी से तो जा ही सकते हो, बट हम इधर बजट ट्रिप की बात कर रहे हैं। इसके लिए शेयरिंग ऑटो बहुत अच्छा ऑप्शन है। शेयरिंग ऑटो में जाने आना लेकर एक एक का 150 रुपए लगता है। अगर आप लो बजट में सेफ जर्नी करना चाहते हो तो आप होहो बस से भी ट्रेवल कर सकते हो। किराया एक एक का जाना आना लेकर 300 पड़ेगा। ये डबल डेकर फुल एसी बस है। हेरिटेज स्ट्रीट से आपको 2:30 बजे निकल जाना है। वाघा बॉर्डर जाने में 1.25 घंटे से लेकर 1 घंटा तक लग सकता है। गाड़ी आपको जहां पर छोड़ेगी वहां से पैदल पूरी सिक्योरिटी से होते हुए आगे बढ़ना है। कोशिश करिएगा 3:30 बजे तक आप वाघा बॉर्डर पहुंच जाए। पैरेड सेरेमनी शुरू होने से पहले का नजरिया आप देख सकते हो। पैरेड अभी शुरू होने ही वाला है। 1 घंटे तक ये पैरेड चलेगी। आपको पैरेड की कुछ क्लिप दिखाते हैं। Yeah!
पैरेट को देखकर आपको देशभक्ति की अलग ही फीलिंग्स आएगी। ही धीरे धीरे बाहर जाने की बारी। आप जिस व्हीकल से इधर आए हो आपको उससे अभी लौट जाना है। हम लोग होहो बस से आए थे। चलिए वाघा बॉर्डर की कुछ पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप अगर अमृतसर आके वाघा बॉर्डर नहीं आए तो आपने क्या देखा अमृतसर का? गोल्डन टेंपल जैसे अमृतसर का जान है, वैसे ही वाघा बॉर्डर इस देश का जान है। वाघा बॉर्डर से आने के बाद जरूर गोल्डन टेंपल एक बार जाइएगा। सुबह में गोल्डन टेंपल देखने में कुछ अलग लगता है और शाम के टाइम कुछ अलग लगता है। मंदिर के ऊपर चारों तरफ से जब लाइटें आती हैं तो मंदिर की नजरिया देखने लायक होता है। आप देख सकते हो कितने सारे श्रद्धालु आए हैं। इधर से निकल के आप बाहर डिनर भी कर सकते हो या फिर इधर लंगर में खाना भी चख सकते हो। डिनर कंप्लीट करके होटल में रेस्ट ले लीजिए। नेक्स्ट डे सुबह आपको जाना है पार्टीशन म्यूजियम। इधर अमृतसर की हिस्ट्री के बारे में आप देख सकते हो। म्यूजियम के बाहर के नजरिया बहुत सुंदर है। हमने बहुत सारे फोटो क्लिक किया। कुछ फोटो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। म्यूजियम देखने के बाद आप लोग होटल में जाके होटल चेकआउट करके बाहर आ जाइए। अभी घर जाने की बारी है। अगर अमृतसर घूमने के बजट की बात करें तो होटल का किराया 700 रुपए एक दिन का, खाने पीने का 600 रुपए, होहो बस का किराया 300 रुपए, स्टेशन से आने जाने का 50 रुपए, तो कुल मिला के एक का खर्चा पड़ता है 1650 रुपए। अगर आप दो लोग आ रहे हो तो होटल का किराया शेयर हो जाएगा। मेरी मम्मी अभी पार्टीशन म्यूजियम के सामने खड़े होके माउथरगन बजा रही है। मम्मी की माउथरगन सुनते सुनते अमृतसर को अलविदा कहते हैं। शायद मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए सबको बाय बाय।